Hello students, good evening to all of you. Welcome to all of you on the digital platform of Royal Institute. तो स्टूडेंट्स अपने बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में. जैसे अपने कल की क्लास रही थी वैसे ही आज भी अपने बहुत अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी डिस्कशन करेंगे क्लास के अंदर. उससे पहले अपने देखते हैं आज का जो स्कॉलरशिप टेस्ट रहा रॉयल इंस्टीट्यूट का उसमें आज किसने बाजी मारी है. पंकज बोस ने बाजी मारी है भैया. ये बोस है पूरा एक नंबर अपने फर्स्ट रैंक आई है इसकी और अपने इसको ये कोर्स है बिल्कुल फ्री दिया जाएगा ना. तो इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हैं डेली जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है रॉयल एप्लीकेशन जो उसके रॉयल ऐप के ऊपर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है उसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी अपने अच्छी परफॉर्मेंस करके फ्री में कोर्स ले सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में अगर बात करें अपने फाउंडेशन कोर्स की तो जिसमें 11 12th फाउंडेशन कोर्स चल रहा है. फाउंडेशन का मतलब इसमें आपको साथ में नीट जेई आपने जेट आईसीआर इन सभी की तैयारी आपको साथ में 11 12th के साथ में करवाई जाती है. ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोर्स चल रहे हैं और ये अपने अभी बैच स्टार्ट हुआ है 25 मई को. ठीक है. तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. अब अपने बात करते हैं चलो क्वेश्चन के ऊपर. सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अपने सबसे पहला क्वेश्चन आता है टीडी में कौन से मुखांग पाए जाते हैं यानी टीडी में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं. आपको पता होना चाहिए कि जो इंसेक्ट होते हैं कीट होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं ना. अलग अलग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं मतलब कि जैसा भोजन लेते हैं वो जैसे उनके भोजन लेने की प्रकृति होती है उनके आधार पर उनमें मुखांगों के प्रकार अलग अलग होते हैं. तो यहाँ कुछ मुखांगों के प्रकार लिखे हुए हैं आपको बताना है कि टिड्डी में किस प्रकार के मुखांग होते हैं यानी टिड्डी यानी लोकस्ट के अंदर किस प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं इसका आपको आंसर देना है. जल्दी से आंसर आना स्टार्ट हो जाना चाहिए अभी. चलो आंसर देना स्टार्ट करें जल्दी से. हाँ अभी अपनी क्लास 7 बजे से रहेगी ना. यूट्यूब की क्लास शाम को 7 बजे से रहेगी. ठीक है. चलो आंसर दो. एक आंसर आ रहा है. ठीक है वेरी गुड. मोस्टली बच्चों का एक आंसर आ रहा है ना. काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं. किस प्रकार के काटने व चबाने वाले यानी बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं. बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट की बात करें किस किस के अंदर होते हैं काटने व चबाने वाले मुखांग किस किस के अंदर पाए जाते हैं तो टिड्डी में होते हैं. टिड्डी के अलावा अगर बात करें ये ग्रास ओपर के अंदर होते हैं. ग्रास ओपर में पाए जाते हैं. ग्रास ओपर के अलावा अगर बात करें अपने ये दिमक के अंदर पाए जाते हैं. दिमक के अंदर पाए जाते हैं. कॉकरोच के अंदर पाए जाते हैं. कॉकरोच है ना. तो ये एक प्रकार से प्रमुख कीट होते हैं जिनके अंदर काटने व चबाने वाले इन बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं. चलो नेक्स्ट बात करें इसमें चुबाने व चूसने वाले मुखांग है यानी पियर्सिंग एंड स्किंग टाइप माउथ पार्ट लिखे हुए हैं. चुबाने व चूसने वाले मुखांग इनको देख लेते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं. चुबाने व चूसने वाले मुखांग होते हैं ये जनरली रस चूसक कीटों के अंदर पाए जाते हैं. किसमें रस चूसक कीटों के अंदर. जैसे रस चूसक कीटों की बात करें जैसे पादप मत्कुण आता है. पादप मत्कुण ठीक है. इसके अलावा सफेद मक्खी आता है. सफेद मक्खी सफेद मक्खी सफेद मक्खी के अंदर इस प्रकार के होते हैं. इसके अलावा मोइला आता है. मोइला जिसको एफिड बोलते हैं ना. इसके अलावा जेसिड आता है. जेसिड ठीक है. लाख कीट आता है. लाख कीट इन सभी के अंदर क्या होता है एक प्रकार से चुबाने व चूसने वाले मुखांग यानी पियर्सिंग एंड स्किंग टाइप माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट अगर बात करें स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट्स की यानी स्पंजाकार या स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं. घरेलू मक्खी के अंदर पाए जाते हैं. किसके अंदर पाए जाते हैं. घरेलू मक्खी के अंदर पाए जाते हैं. घरेलू मक्खी में स्पंजाकार या अपने बोल सकते हैं स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने वर्ग इंसेक्टा को और किस नाम से जाना जाता है. चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्लास इंसेक्टा आल्सो नोन एज यानी जो इंसेक्टा क्लास होती है. क्लास का मतलब क्या वर्ग यानी एक प्रकार से जो अपने संघ आर्थोपोडा है फाइलम आर्थोपोडा है उसको क्या किया गया है उसको अपने डिफरेंट क्लासेज में डिवाइड किया गया और उन्हीं में से एक क्लास या एक वर्ग आता है वो आता है इंसेक्टा. ठीक है. और इंसेक्टा के अंदर अपने को नाम से पता लग रहा है इंसेक्टा यानी इंसेक्ट्स आएंगे यानी इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्टा क्लास के अंदर आते हैं. ठीक है. और इंसेक्टा क्लास के अंदर आते हैं तो इंसेक्टा को और किस नाम से जानते हैं अपने ये आपको आंसर देना है ना. और किस नाम से जानते हैं इंसेक्टा क्लास को और किस नाम से जानते हैं. वेरी गुड. ये आंसर आ रहा है. वेरी गुड वेरी गुड. इसको क्या बोलते हैं अपने हेक्जापोडा बोलते हैं. क्या बोलते हैं हेक्जापोडा बोलते हैं. हेक्जापोडा का मतलब क्या हुआ. हेक्जा का मतलब सिक्स हो गया. एग्जा का मतलब क्या हो गया सिक्स हो गया. पोडा का मतलब क्या हो गया टांगे हो गई. टांगे या पैर तो सिक्स टांगे यानी छह टांगे पाई जाती है. इसका मतलब ये नहीं है कि छह जोड़ी टांगे पाई जाती है. एग्जा पोडा का मतलब छह टांगों से संख्या से है. जोड़ी की बात करें तो कितनी हो गई
तीन जोड़ी टांगे होगी, ठीक है। तो कीट, कीटों की ये मुख्य विशेषता होती है कि कीट कौन होगा, कोई भी जीवित जीव जिसकी वयस्क अवस्था में तीन जोड़ी टांगें पाई जाती है उसको अपने कीट बोलते हैं। और कीट कौन से वर्ग में आते हैं, इंसेक्टा वर्ग में आते हैं, और इंसेक्टा को इसीलिए क्या बोला जाता है, हेक्सापोडा बोला जाता है। और ये इंसेक्टा या हेक्सापोडा है ये सबसे बड़ा वर्ग होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग होता है किसका, संघ आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का लार्जेस्ट क्लास अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी होती है, इंसेक्टा या हेक्सापोडा होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, और नेचर के अंदर बात करें सबसे ज्यादा जो आर्थ्रोपोड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंसेक्ट ही होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हमने संघ आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग ये लो, अभी मैंने आंसर बता दिया आपको, ऑलरेडी मैं आंसर बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, संघ आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, संघ आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, चलो आंसर दो जल्दी, अभी मैंने आंसर दिया आपको इसका ना, चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं, अभी वैसे मैंने अभी बताया जस्ट आपको, इंसेक्टा ही होता है ना, इंसेक्टा, ये इंसेक्ट नहीं इंसेक्टा, इंसेक्टा को अभी मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा भी बोलते हैं, हेक्सापोडा, ठीक है। और संघ की बात करें अगर आपसे पूछ ले जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है तो वो आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, सबसे बड़ा संघ, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें इंसेक्टा सबसे बड़ा वर्ग होता है, अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा गण कौन सा होता है, सबसे बड़ा गण, सबसे बड़ा गण, सबसे बड़ा गण, गण की अगर बात करें कौन सा होगा तो कोलियोप्टेरा होता है, कौन सा होता है, कोलियोप्टेरा गण होता है, वो सबसे बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि कोलियोप्टेरा गण में सबसे ज्यादा कीट आते हैं, ठीक है। कोलियोप्टेरा गण होता है लार्जेस्ट ऑर्डर की अगर बात करें, लार्जेस्ट ऑर्डर अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा होगा, कोलियोप्टेरा होगा, कोलियोप्टेरा, ठीक है, ध्यान में रखना कोलियोप्टेरा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर वह पश्च पंख समान किसके होते हैं, यानी कौन से ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं जिसके अग्र यानी आगे की और पीछे की जोड़ी दोनों जोड़ी पंख होते हैं वो एक जैसे होते हैं, है ना, दिखने में एक जैसे होते हैं। तो इसके लिए आपको पहले यह जानना जरूरी है कि कीटों के अंदर जो पंख होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, आगे की जोड़ी पंख अलग प्रकार के होते हैं, पीछे की जोड़ी पंख अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर एक गण ऐसा है जिसके पंख समान होते हैं, आगे की जोड़ी वैसे ही होंगे और पीछे की जोड़ी ही समान संरचना के समान आकृति के होंगे, ठीक है। तो वो आपको बताना है, फोर विंग एंड हाइंड विंग आर सेम इन, कौन से ऑर्डर के अंदर सेम होता है वो आंसर देना, आइसोप्टेरा में, इटेरोप्टेरा में, डिप्टेरा में या लेपिडोप्टेरा में, किसके अंदर समान पंख पाए जाते हैं, चलो आंसर दो जल्दी से। ए आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का डी आंसर आ रहा है, चलो ए आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का, यानी आइसोप्टेरा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। आइसोप्टेरा नाम ही इसका इसलिए पड़ा है, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है समान, आइसो का मतलब क्या होता है समान, और पटेरा का मतलब क्या होता है पंख, क्या होता है पंख, यानी मतलब आइसोप्टेरा नाम ही इसलिए पड़ा हुआ है कि इसके जो आगे और पीछे की जोड़ी पंख होते हैं वो समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसोप्टेरा में कौन आएगा, ट्रमाइट आएगी, ट्रमाइट यानी दिमक आएगी, ट्रमाइट यानी दिमक, दिमक की अगर बात करें तो दिमक के जो सभी में पंख नहीं पाए जाते, दिमक के अंदर, दिमक में सब कीटों में पंख नहीं पाए जाते, मतलब दिमक में क्या होता है अलग अलग सदस्य होते हैं, राजा होता है, रानी होती है, श्रमिक होते हैं, सैनिक होते हैं ना, तो दिमक में जो प्रजनक जातियां होती है जो राजा रानी होते हैं उन्हीं के अंदर पंख पाए जाते हैं, और वो पंख होते हैं ना वो झिल्लीदार होते हैं, और आगे की जोड़ी और पीछे की जोड़ी दोनों पंख कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि जड़ने वाले पंख किस कीट में पाए जाता है, वो भी दिमक के अंदर ही पाए जाते हैं, दिमक में मैथुन उड़ान होती है, कल अपने पढ़ा था, तो मैथुन उड़ान के दौरान क्या होता है, मैथुन क्रिया करने के बाद में इनके पंख होते हैं वो जड़ जाते हैं, ठीक है। तो जड़ने वाले पंख भी दिमक के अंदर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट के सिर में कितने खंड होते हैं, कीटों के सिर में कितने खंड होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि कीटों का सिर होता है वो कितने खंडों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जल्दी से आंसर दो इसका, कीटों का सिर कितने खंडों से मिलकर बना होता है, कीटों का सिर कितने खंडों से, यानी हाउ मेनी सेगमेंट इन इंसेक्ट हेड, यानी इंसेक्ट हेड होता है वो कितने सेगमेंट्स के फ्यूज होने से बनता है, 7, 6, 11 या 3, चलो आंसर दो जल्दी, वेरी गुड, ए आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, बी आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, डी भी आंसर आ रहा है, मिक्स आंसर आ रहे हैं भैया, एक आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है क्या,
सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके ये जेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी। क्वेश्चन क्या है कि कीट के सिर में कितने खंड होते हैं, यानी हाउ मेनी सेगमेंट इन इंसेक्ट हेड, यानी इंसेक्ट का हेड होता है वो कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलो इसमें अगर बात करें अपने तो सिक्स सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट होते हैं? सिक्स सेगमेंट होते हैं। ठीक है, सिक्स सेगमेंट के फ्यूज होने से इंसेक्ट का हेड बनता है। ठीक है, अगर थ्री सेगमेंट की बात करें, थ्री सेगमेंट किसमें होते हैं? तो थोरेक्स के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? थोरेक्स में, जिसको क्या बोलते हैं? वक्ष बोलते हैं ना, वक्ष यानी थोरेक्स। किसके अंदर होते हैं? थोरेक्स के अंदर होते हैं, थोरेक्स। वहीं अगर बात करें अपने 10-11 सेगमेंट की बात करें, 10-11 सेगमेंट किसके अंदर होते हैं? उदर के अंदर होते हैं। उदर का मतलब जिसको बोलते हैं एब्डोमेन, क्या बोलते हैं? एब्डोमेन बोलते हैं ना, एब्डोमेन, उदर। उदर के अंदर एक प्रकार से 10-11 सेगमेंट होते हैं। वक्ष के अंदर यानी थोरेक्स के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं और सिर यानी हेड के अंदर कितने होते हैं? सिर यानी हेड के अंदर कितने हो गए? 6 सेगमेंट हो गए। ठीक है, अगर टोटल अगर आपसे पूछ ले कि इंसेक्ट की बॉडी में टोटल कितने सेगमेंट होते हैं, तो टोटल अगर आपको इनको टोटल करके देखेंगे तो ये आएंगे 19-20 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 19-20 सेगमेंट्स होते हैं, यानी 19 से 20 खंडों में कीटों का शरीर बटा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉनस्टन अंग कहाँ स्थित होता है? जॉनस्टन अंग कहाँ स्थित होता है? जॉनस्टन अंग कहाँ स्थित होता है? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर देता हूं। पहले मैं जॉनस्टन अंग होता है, जॉनस्टन अंग एक प्रकार से कौन से भाग के अंदर स्थित होता है, पहले आपको यह क्लियर करना पड़ेगा। कौन से भाग का मतलब कि पंख में होता है या श्रृंगिका में होता है या टांगों में होता है या सिर में होता है, कहां होता है यह आपसे पूछा। ठीक है, कौन से भाग के अंदर पाया जाता है जॉनस्टन अंग, उसके बाद में आगे का देखेंगे कि यह किसके भाग है। ठीक है, वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। पेडिसिल होता है, और पेडिसिल की अगर बात करें तो पेडिसिल किसका पार्ट होता है? श्रृंगिका का। किसका पार्ट होता है? श्रृंगिका का पार्ट होता है। श्रृंगिका यानी जिसको एंटीना बोलते हैं, एंटीना का सेकंड सेगमेंट होता है उसको पेडिसिल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पेडिसिल बोलते हैं। किसके? अपने जो एंटीना होती है, एंटीना के सेकंड सेगमेंट को पेडिसिल बोलते हैं। और इस पेडिसिल के अंदर क्या होता है? जॉनस्टन अंग होता है। जॉनस्टन अंग होता है वो क्या काम करता है? एक प्रकार से जॉनस्टन ऑर्गन होता है, वो सुनने का काम करता है। इंसेक्ट्स में सुनने का काम करता है वो जॉनस्टन ऑर्गन करता है। तो आपसे जॉनस्टन ऑर्गन का काम भी पूछा जा सकता है कि ये क्या काम आता है इंसेक्ट्स के अंदर, तो ये एक प्रकार से सुनने का काम आता है, यानी सुनने के काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एंटीना के अंदर प्रेजेंट होता है, और एंटीना के भी कौन से पार्ट के अंदर? पेडिसिल के अंदर। और पेडिसिल कौन सा पार्ट होता है? सेकंड सेगमेंट होता है एंटीना का, है ना। एंटीना में 3 सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से? स्केप होता है पहला, दूसरा होता है पेडिसिल, और तीसरा होता है फ्लेजिलम। ठीक है, तो जो पेडिसिल वाला पार्ट होता है ना, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको जॉनस्टन ऑर्गन बोलते हैं, जो कि सुनने का काम करता है। और फीमर लिखा हुआ है, फीमर किसका पार्ट होता है? फीमर एक प्रकार से लेग का यानी टांग का भाग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या होता है, या कीटों का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या होता है? कीटों का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ पूछा आपसे। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्ट इज, यानी इंसेक्ट्स का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्सर्जक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर छोड़ा जाता है, वो क्या होता है? यूरिया होता है या यूरिक अम्ल होता है या अमोनिया होता है या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से आंसर दीजिए, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, सोनू प्रजापत, मंजू, सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। नितेश का आ रहा है, वेरी गुड। कुछ कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है, कुछ कुछ का गड़बड़ आ रहा है। इसमें अगर बात करें कीटों का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है, ध्यान में रखना, यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड होता है। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्ट इज यूरिक एसिड, ना कि यूरिया होता है, ध्यान में रखना, यूरिया नहीं होता है, यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड होता है जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यूरिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यूरिक एसिड ही होता है, यूरिया कभी भी नहीं होता है। ठीक है, किसका? कीटों की बात करें अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, जलीय कीटों में उत्सर्जक पदार्थ कौन सा होता है? जलीय कीटों में उत्सर्जक पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एक्वेटिक इंसेक्ट्स, यानी वो कीट जो जल में रहते हैं, पानी में रहने वाले कीट होते हैं, उसमें मुख्य उत्सर्जक पदार्थ आपसे पूछा गया कौन सा होता है? यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चलो आंसर दो नेक्स्ट क्वेश्चन का।
हाँ यूरिया ह्यूमन बींग्स का होता है ना, अपने इंसेक्ट की बात करें इंसेक्ट्स के अंदर यूरिक अम्ल होता है। वेरी गुड, सी आंसर आ रहा है। सोपोपोनिया सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ना, आज अपना टाइम थोड़ा चेंज है इसलिए बच्चे अभी जुड़े नहीं है ना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे आपके साथ जुड़ के रहेंगे उतना ही आपको ज़्यादा मजा आएगा ना आंसर देने में, ठीक है। इसलिए आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनको सबको शेयर कर दीजिए कि रॉयल की इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सब लोग। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड, अमोनिया आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। अमोनिया होता है वो एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है मेन। अगर आपसे पूछ ले कॉमन इंसेक्ट का या टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट का अगर पूछ ले, यानी स्थलीय कीटों का पूछ ले, तो वो अभी अपने बात की थी, कौन सा होता है, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद में चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है अपने कीटों में त्वचा उतरने की क्रिया क्या कहलाती है, कीटों में त्वचा उतरने की क्रिया क्या कहलाती है, कीटों में त्वचा उतरने की क्रिया क्या कहलाती है, चलो जल्दी से आंसर दो। मोल्टिंग, एपिफाइसिस, फिजोगेस्ट्री या इनमें से कोई नहीं, मोल्टिंग, एपिफाइसिस, फिजोगेस्ट्री या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, चलो आंसर दो। वेरी गुड, शेयर कर दिया आपने, अभी ये कंपटीशन बढ़ेगा आपके अंदर है ना, देखना अभी बच्चे आएंगे, फिर अपने दोस्तों को सबको शेयर करो, जितने भी दोस्त हैं सबको बोलो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलो क्वेश्चन क्या है, शेडिंग ऑफ क्यूटिकल इज नॉन एज, यानी इंसेक्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट्स के अंदर मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग यानी निर्मोचन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्मोचन बोलते हैं ना, मोल्टिंग या निर्मोचन, मोल्टिंग या निर्मोचन में क्या होता है, पुरानी क्यूटिकल उतरती है, शरीर में वृद्धि होती है और नई क्यूटिकल बन जाती है, और ये मोल्टिंग की क्रिया होती है किसमें होती है, मोल्टिंग की क्रिया अविकसित अवस्था के अंदर होती है, और कीटों में अविकसित अवस्था कौन सी होगी, कीटों में अविकसित अवस्था कौन सी होगी, कीटों में अविकसित अवस्था कौन सी होती है, लार्वा होती है या क्या होती है, निम्फ होता है ना, लार्वा या निम्फ होती है, अविकसित अवस्था होती है, और इस अवस्था के अंदर कीटों में क्या होता है, मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग क्या होती है, पुरानी क्यूटिकल उतरती है, नई क्यूटिकल बनती है, पुरानी क्यूटिकल का उतरना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि क्यूटिकल काइटिन की बनी होती है और काइटिन कठोर होता है, कठोर होता है तो उसकी शरीर की वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उसको बांध के रखता है ऊपर से, तो अगर उसके शरीर को वृद्धि करनी है, अगर कीट के शरीर को वृद्धि करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कठोर आवरण को उतारना पड़ेगा, तो कठोर आवरण उतरता है, वो शरीर वृद्धि करता है, वापिस आवरण बन जाता है, तो क्यूटिकल उतर गई उसको तो मोल्टिंग बोल दिया, लेकिन अब क्यूटिकल उतर गई वापिस भी तो बनेगी, और वापिस बनाएगा कौन उसको, क्यूटिकल कौन बनाता है, क्यूटिकल का निर्माण कौन करता है, क्यूटिकल का निर्माण, क्यूटिकल का निर्माण कौन करता है, क्यूटिकल का निर्माण कौन करता है, क्यूटिकल का निर्माण एपिडर्मिस करती है, कौन करता है, एपिडर्मिस करती है, एपिडर्मिस कोशिकाएं होती है वो क्यूटिकल का निर्माण करती है, और इसी एपिडर्मिस को आप हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, क्यूटिकल का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्यूटिकल का निर्माण कौन करता है, तो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने को पता है कि कीटों की क्यूटिकल होती है जो, या जो कीटों की देह भित्ति होती है, देह भित्ति यानी बॉडी वॉल होती है जो, वो तीन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, कितने सेगमेंट से, तीन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, कौन-कौन से, सबसे पहला बार का आता है क्यूटिकल, क्यूटिकल स्तर आता है क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद में आता है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद आता है आधारीय झिल्ली, कौन सा आता है, आधारीय झिल्ली, आधारीय झिल्ली, आधारीय झिल्ली, ठीक है, आधारीय झिल्ली आती है। तो इसमें अगर बात करें अपने, क्यूटिकल आई ये एक बार से उतर गई पुरानी क्यूटिकल, तो उसको बनाने का काम जस्ट इसके नीचे का स्तर होता है एपिडर्मिस, वही क्या करता है, वापिस इसको बनाने का काम करता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूटिकल को बनाने का काम कौन करता है, तो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कोशिकाएं करती है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें अपने बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कॉकरोच में श्वसन होता है, कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
चलो आंसर दीजिए। चलो आंसर दीजिए जल्दी। कॉकरोच में श्वसन किससे होता है या रेस्पायरेशन इन कॉकरोच थ्रू, किसके थ्रू रेस्पायरेशन होता है, किसकी बात करें यहां पर, कॉकरोच की बात करें। और कॉकरोच आपको पता होना चाहिए क्या है, कॉकरोच है क्या, कॉकरोच क्या है, कीट है, कॉकरोच क्या है, कीट है। और कीटों के अंदर श्वसन क्रिया किससे होती है आपको सभी को पता है, बिल्कुल सही आंसर आएगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आएगा, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है ना, वेरी गुड, सब अच्छा आंसर दे रहे हैं, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है ना। चलो ट्रेकिया होता है ना, कॉकरोच क्या है, कीट है, और कीटों में श्वसन क्रिया किससे होती है, ट्रेकिया से होती है। अब पूछ ले कि ट्रेकिया से क्यों होती है, ट्रेकिया से क्यों होती है, अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर बात करें तो रेस्पायरेशन होता है, श्वसन क्रिया होती है, उसमें ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो अपने रुधिर से होता है, क्यों, क्योंकि रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। लेकिन कीटों के रुधिर की अगर बात करें तो कीटों के रुधिर में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, कीटों के रुधिर में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है तो मतलब कीट क्या करेंगे, श्वसन क्रिया में सहायक नहीं होंगे, अपने जो रुधिर होता है कीटों में श्वसन क्रिया में सहायक नहीं होता है। अब श्वसन क्रिया में सहायक नहीं होता तो फिर कुछ कोई तो होगा उसमें अंग जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है, तो उसमें क्या होता है, पतली पतली नलिकाएं होती है, ये नलिकाओं का पूरा जाल होता है जो शरीर में फैला हुआ रहता है, वो क्या करता है, वो बाहर से ऑक्सीजन लेता है, उत्कों तक लेके जाता है, उत्कों से CO2 लेता है, बाहर छोड़ देता है, तो वो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। और उन नलिकाओं को ही क्या बोला जाता है, ट्रेकिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रेकिया बोला जाता है। इसलिए कीटों में क्या होता है, इसलिए कीटों में श्वसन क्रिया किससे होती है, ट्रेकिया से होती है। और कॉकरोच क्या है, कीट है, तो मतलब कॉकरोच में भी किससे होगी, ट्रेकिया से होती है। और ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, श्वसन नलिकाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसन नलिकाएं, श्वसन नलिकाएं। और ये जो श्वसन नलिकाएं होती है, ये श्वसन नलिकाएं शरीर के अंदर फैली रहती है, लेकिन बाहर कैसे खुलती है, बाहर शरीर से बाहर मतलब कीटों के शरीर से बाहर कैसे खुलती है, तो ये श्वसन रंध्रों के द्वारा खुलती है, किसके द्वारा, श्वसन रंध्रों द्वारा खुलती है। शरीर पर क्या होते हैं, कीटों के शरीर पर जो वक्ष और उदर होता है उसके अंदर श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों के द्वारा ये नलिकाएं शरीर से बाहर वातावरण में खुलती है, ठीक है, श्वसन रंध्रों में खुलती है, श्वसन रंध्रों में खुलती है, ठीक है, श्वसन रंध्रों में खुलती है। और श्वसन रंध्रों की बात करें, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पायरिकल्स बोलते हैं, स्पायरिकल्स, स्पायरिकल्स के अंदर खुलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और स्पायरिकल्स या श्वसन रंध्रों की बात करें तो सामान्य कीटों में कितने होते हैं, ये अपने सामान्य कीटों की अगर बात करें 10 जोड़ी होते हैं, 10 pairs होते हैं, कितने होते हैं, 10 pairs स्पायरिकल्स होते हैं, जिसमें अगर बात करें 2 pair तो कहाँ होते हैं, 2 pair यानी 2 जोड़ी तो कहाँ होते हैं, थोरेक्स के अंदर यानी वक्ष में होते हैं। और अगर बात करें 8 जोड़ी यानी 8 pair कहां पर होंगे, 8 pair उदर के अंदर होते हैं, उदर के अंदर क्या होते हैं, श्वसन रंध्र होते हैं, जिनके द्वारा श्वसन नलिकाएं जुड़ी होती है, जिनसे ये ऑक्सीजन लेती है और CO2 बाहर छोड़ती है, ठीक है, तो ये एक प्रकार से श्वसन तंत्र हो गया कीटों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपूर्ण कायंत्रण में कौन सी अवस्था नहीं पाई जाती है, अपूर्ण कायंत्रण में कौन सी अवस्था नहीं पाई जाती है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं ना सब लोग, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ इंग्लिश में भैया, मैं साथ में इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ ना, आप सुनते रहिएगा ना, क्योंकि अपनी क्लास में यूट्यूब क्लास पे ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो मैं साथ में इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए मैं इंग्लिश में भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो उसको आप सुनते रहिए साथ के साथ, है ना, वेरी गुड, डी ऑप्शन आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है ना, डी आ रहा है, वेरी गुड बच्चों, कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं, यानी कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बी और डी के अंदर कंफ्यूजन है, बी यानी क्या है, बी अर्भक है और डी क्या है, डी एक प्रकार से लट है यानी लार्वी है, तो यहां पर
पूछा गया है अपूर्ण कायंत्रण, अपूर्ण कायंत्रण को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या अपूर्ण कायंत्रण में कल ही मैंने आपको बताया था कल की क्लास में ही कि इस कायंत्रण में जीवन काल में कीटों में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तीन अवस्थाएं पाई जाती है। उन तीन अवस्थाओं की बात करें तो अंडा होता है, अंडे के बाद में क्या बनता है, निम्फ बनता है, निम्फ बनता है, और निम्फ के बाद में क्या बनता है, वयस्क बनता है। तो निम्फ होता है उसी को अर्भक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्भक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपूर्ण कायंत्रण होता है उसमें तीन ही अवस्थाएं होती है, ठीक है। अब यहां पर अंडा भी है, वयस्क भी है और अर्भक भी है, लेकिन लट या लार्वा की बात करें, लट को क्या बोलते हैं, सुंडी बोलते हैं या लार्वा बोलते हैं, लार्वा के नाम से जानते हैं, ठीक है, लट सुंडी लार्वा के नाम से जानते हैं। ये जो लट सुंडी लार्वा होती है ये अविकसित अवस्था होती है, लेकिन किसके अंदर होती है, जिन कीटों में पूर्ण कायंत्रण पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें पाया जाता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लार्वी लट या सुंडी अवस्था पाई जाती है। अगर अपूर्ण कायंत्रण में बात करें तो उसमें तीन ही अवस्थाएं होती है। अगर पूर्ण कायंत्रण यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो उसके अंदर फोर स्टेज आती है। कौन कौन सी आती है, सबसे पहले एग यानी अंडा आता है, अंडे के बाद में कौन सी स्टेज आएगी, अंडे के बाद में लार्वा आएगा, लार्वा है ना, लार्वा आएगा, लार्वा के बाद में कौन सी स्टेज आएगी, तो प्यूपा आएगा, ठीक है। प्यूपल स्टेज या प्यूपा होता है वो केवल इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में होता है, और उसके बाद में वयस्क यानी एडल्ट स्टेज आएगी, ठीक है। तो ये फोर स्टेज आती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में, और थ्री स्टेज आती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में, क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, तितली व शलभ किस गण के कीट है। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बटरफ्लाई एंड मोथ बिलोंग्स टू, यानी बटरफ्लाई और मोथ होते हैं वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, बटरफ्लाई और मोथ कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, वेरी गुड। चलो जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिए, चलो आंसर आना स्टार्ट हो गया। डी आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का, कुछ बच्चे बी भी आंसर दे रहे हैं, कुछ सी भी आंसर दे रहे हैं ना, मिक्स आंसर आ रहा है, कोई एक आंसर नहीं आ रहा है अभी, है ना। चलो ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी भी आ रहा है, गायत्री भी आंसर दे रही है, नेहा सी आंसर दे रही है, सोनू प्रजापत सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलो चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तितली यानी शलभ यानी बटरफ्लाई और मोथ की बात हो रही है, ठीक है। बटरफ्लाई और मोथ होती है ये एक प्रकार से लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं ना, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। प्लेकोप्टेरा में अगर बात करें तो इसमें स्टोन फ्लाई आती है, कौन सी आती है, स्टोन फ्लाई आती है, स्टोन फ्लाई, स्टोन फ्लाई, ठीक है। और अगर बात करें डिप्टेरा, तो डिप्टेरा के अंदर क्या आती है, डिप्टेरा के अंदर एक प्रकार से हाउस फ्लाई आती है यानी घरेलू मक्खी आती है, घरेलू मक्खी आती है। इसके अलावा मच्छर यानी मॉस्किटोज आते हैं, इसके अलावा फ्रूट फ्लाई आती है, कौन सी आती है, फ्रूट फ्लाई यानी जिसको फल मक्खी बोलते हैं आप, फल मक्खी। ये सभी इंसेक्ट किस में आते हैं, डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर का बता ऐसे चुका हूँ मैं कि आपको मैंने आपको बताया हुआ है कि हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर होता है वो एक लाभदायक ऑर्डर होता है, ये लाभदायक गण होता है, क्या होता है, लाभदायक गण होता है, लाभदायक गण। क्यों होता है लाभदायक गण, क्योंकि इसके अंदर अधिकांश कीट आते हैं वो कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। एक अपवाद भी है इसका, जो कि सरसों की आरा मक्खी होती है, जो हाइमिनोप्टेरा गण का होने के बावजूद भी क्या करता है, अपने नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी हाइमिनोप्टेरा गण का कीट नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाभदायक गण बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल ऑर्डर कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेनिफिशियल ऑर्डर कौन सा है, तो हाइमिनोप्टेरा है। और अधिकांश परजीवियाब की बात करें, अधिकांश परजीवियाब यानी पेरास्टोइड, अधिकांश परजीवियाब या पेरास्टोइड होते हैं वो किस गण के अंदर आते हैं, हाइमिनोप्टेरा गण के अंदर आते हैं। किस गण में आते हैं, हाइमिनोप्टेरा गण में आते हैं। मैक्सिमम पेरास्टोइड्स बिलोंग टू विच ऑर्डर, ये क्वेश्चन आपके आईसीआर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें, मैक्सिमम या अधिकांश परजीवियाब होते हैं वो किस गण में आते हैं, हाइमिनोप्टेरा गण में आते हैं। और परजीवियाब या पेरास्टोइड्स क्या होते हैं, ये बेनिफिशियल यानी लाभदायक कीट होते हैं जो हानिकारक कीटों को मारने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कोलियोप्टेरा गण के अंतर्गत कौन सा कीट है, कोलियोप्टेरा गण के अंतर्गत कौन सा कीट आता है, कोलियोप्टेरा गण के विच इंसेक्ट बिलोंग्स टू ऑर्डर कोलियोप्टेरा, है ना।
कोलियोप्टेरन ऑर्डर की अगर बात करें तो इसके अपने संबंधित कौन सा है? इसमें से बीटल्स आती है, विविल आती है, थ्रिप्स आती है, बीटल और विविल दोनों आते हैं, यानी ब्रंग गुण या थ्रिप्स या अपने ब्रंग और गुण दोनों आते हैं। इसमें से आपको आंसर देना है। कोलियोप्टेरा गण के बारे में मैंने आपको बात बता रखी है कि ये सबसे बड़ा गण होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा गण होता है, सबसे बड़ा गण, सबसे बड़ा गण, लार्जेस्ट ऑर्डर होता है, सबसे बड़ा गण यानी लार्जेस्ट ऑर्डर होता है। और इसके अंदर अपनी अगर बात करें, अधिकांश जो भंडारित अनाजों में लगने वाले कीट होते हैं वो कौन से गण के होते हैं? कोलियोप्टेरा गण के होते हैं, है ना। तो अधिकांश भंडारित अनाजों के कीट, अधिकांश भंडारित अनाजों के कीट, भंडारित अनाजों के कीट, कीट इस गण में आते हैं ना, इस गण में आते हैं। कौन से गण के अंदर आते हैं? कोलियोप्टेरा गण के अंदर आते हैं। अब आपको आंसर देना है कि कोलियोप्टेरा गण के कीट कौन से हैं इनमें से, है ना। चलो, डी आंसर आ रहा है ना, मोस्टली बच्चों का डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, चलो डी आंसर बिल्कुल सही है। जिसका डी आंसर यानी बीटल और विविल्स होते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? ब्रंग और गुण बोलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सफेद लट है, सफेद लट को अपने मई ब्रंग, जून ब्रंग बोलते हैं, मई बीटल जून बीटल के नाम से जानते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया? बीटल शब्द आ गया, मतलब कोलियोप्टेरा ऑर्डर का है। इसी प्रकार अपने बात करते हैं खपरा ब्रंग, खपरा बीटल बोलते हैं, ब्रंग बीटल आ गया, तो मतलब कौन सा है? कोलियोप्टेरा गण का इंसेक्ट होता है, यह कोलियोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो जहां भी अपने विविल, बीटल, ब्रंग, गुण ऐसे वर्ड कहीं भी लगे हुए हैं तो वो मैक्सिमम इंसेक्ट किस में आएंगे? कोलियोप्टेरा में आएंगे। और कोलियोप्टेरा गण सबसे बड़ा गण होता है, और भंडारित अनाजों में लगने वाले अधिकांश कीट होते हैं ना वो किसके होते हैं? कोलियोप्टेरा के होते हैं। सभी नहीं बोल रहा, लेकिन अधिकांश किसके होते हैं? वो कोलियोप्टेरा गण के होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार से बीटल और विविल दोनों आंसर जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कीटों की त्वचा इंटेग्यूमेंट बनी होती है, कीटों की त्वचा या इंटेग्यूमेंट किसकी बनी होती है? ये आपको आंसर देना है, कीटों की त्वचा या इंटेग्यूमेंट किसकी बनी होती है? कीटों की त्वचा या इंटेग्यूमेंट किसकी बनी होती है? अभी बताया था मैंने आपको, थोड़ी देर पहले ही ये मैंने डिस्कस किया है, अभी इसी क्लास के अंदर डिस्कस किया है कि कीटों की त्वचा अपने कौन कौन से स्तर से मिलकर बनी होती है, वही आपको बताना है ना, वही आपको बताना है। चलो जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, परमजीत का एक आंसर आ रहा है, सोनू का आ रहा है, वेरी गुड, नेहा यादव का ये आंसर आ रहा है, शुभक्रम का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, शीता मीना, वेरी गुड, ए आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का ना, ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। इंसेक्ट बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ, यानी किसकी बनी होती है? तो इंसेक्ट की बॉडी वॉल की आउटर मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर की, वो क्यूटिकल होती है, उसके बाद में एपिडर्मिस आती है, और उसके बाद में आधारीय झिल्ली आती है, ठीक है। तो ये तीन स्तर से मिलकर बनी होती है। जो क्यूटिकल और बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये अकोशिकीय होती है, यानी इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। कोशिकीय स्तर होता है वो एक ही होता है, कौन सा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है वो कैसा होता है? कोशिकीय स्तर होता है। कैसा होता है ये? कोशिकीय स्तर होता है, कोशिकीय स्तर। इसके अलावा अगर बात करें, ना तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोशिका होती है, ना क्यूटिकल के अंदर कोशिका होती है, ठीक है। और जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल एक प्रकार से काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है, काइटिन प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है क्यूटिकल, ठीक है। और एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है? क्यूटिकल का निर्माण करने का काम करती है। क्यूटिकल का निर्माण कौन करता है? एपिडर्मिस कोशिका करती है, ये एपिडर्मिस स्तर होता है वो क्यूटिकल का निर्माण करता है। बिल्कुल सही आंसर है ना, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद लट की व्यस्क मादा अंडे देती है, कहां देती है? आपको अंडे देने की जगह या ओविपोजिशन साइट पूछी गई है ना। चलो बताओ, पत्ती की निचली स्तर पर देती है, भुरभुरी मिट्टी में देती है, भूमि के स्तर पर, पौधे के तने में देती है, या फूल के भागों में देती है, कहां देती है? अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, इन लूज सॉइल, ऑन स्टेम और ऑन फ्लावर। यानी जो व्हाइट ग्रब की फीमेल होती है वो एगलिंग कहां पर करती है, इसका आपको आंसर बताना है। चलो आंसर देना स्टार्ट कीजिए। परमजीत दो आंसर आ रहा है, कृष्णा का ए आंसर आ रहा है, एम चोयल का बी आंसर आ रहा है, शाइल बिश्नोई का ए आंसर आ रहा है, दीक्षा यादव बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बी आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का, कुछ बच्चे बीच में ए भी आंसर दे रहे हैं ना, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं।
सफेद लट, पहले देखें सफेद लट शब्द क्या लिखा हुआ, सफेद लट कौन से कीट की बात हो रही है, सफेद लट की बात हो रही है यानी व्हाइट ग्रब की बात हो रही है, ठीक है। और व्हाइट ग्रब अपने को पता है कहाँ रहती है, जमीन में रहती है। व्हाइट ग्रब कहाँ रहती है, जमीन में रहती है, और जमीन में रहकर क्या करती है, जो पौधों की जड़ें होती है उनको नुकसान पहुंचाती है। तो ये अंडे भी देने का काम कहाँ करेंगे, अंडे देने का काम भी ये जमीन में ही करते हैं, ठीक है। तो अंडे कहाँ दिए जाएंगे, जमीन में दिए जाएंगे, और जमीन में भी कौन सी, हल्की भुरभुरी मिट्टी होती है उसके अंदर अंडे दिए जाते हैं। हल्की भुरभुरी मिट्टी यानी लूज सॉइल होती है, जो लाइट सॉइल होती है उसके अंदर ये एगलिंग करते हैं, ठीक है। उसके अंदर इनके द्वारा अंडे दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें सफेद लट के जीवन काल की, तो सफेद लट का जो जीवन काल होता है वो एक प्रकार से एक वर्ष में अगर बात करें तो एक वर्ष में एक ही पीढ़ी पूरी होती है, एक वर्ष में एक पीढ़ी पूरी होती है इसकी। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है जेट के अंदर, है ना, एक वर्ष में एक पीढ़ी पूरी होती है, एक वर्ष में एक पीढ़ी पूरी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सफेद लट का पूछा गया था कि सफेद लट की कौन सी अवस्था हानिकारक होती है, तो इसकी लार्वा और वयस्क दोनों अवस्थाएं हानिकारक होती है। कौन सी, लार्वा व वयस्क दोनों अवस्थाएं हानिकारक होती है, व्यस्क दोनों हानिकारक होती है दोनों। लार्वा तो क्या करता है, जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, और व्यस्क क्या करता है, व्यस्क एक प्रकार से जो अपने प्रणीय भाग होता है, वायवीय भाग होता है, ऊपर पत्तियों को खाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इसकी दोनों अवस्थाएं हानिकारक होती है। ये क्वेश्चन आपके एक बार पूछा गया था, एक कल मैंने आपको क्वेश्चन इसका डिस्कस करवाया था कि इसकी सुषुप्ता अवस्था होती है, सुषुप्ता अवस्था, सुषुप्ता अवस्था कौन सी होती है, ये अपने कल डिस्कस किया था। इसकी व्यस्क अवस्था सुषुप्ता अवस्था होती है, कौन सी होती है, व्यस्क अवस्था सुषुप्ता अवस्था होती है ना। सुषुप्ता अवस्था यानी डोरमेंट स्टेज, डोरमेंट स्टेज होती है वो एडल्ट होता है, एडल्ट डोरमेंट स्टेज में रहता है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट आता है अपने वर्गीकरण की आधारीय इकाई कौन सी होती है, या वर्गीकरण की आधारीय इकाई कौन सी है, वंश है, गण है, जाति है, कुल है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज या फैमिली। चलो जल्दी से आंसर दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बेसिक यूनिट पूछिए आपसे, आधारीय इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सीतामीना, थर्ड जो लार्वल स्टेज होती है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, वेरी गुड। सी आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे डी भी आंसर दे रहे हैं, चलो वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है ना, सी आंसर आ रहा है, मतलब अपनी जाति या स्पीसीज होती है वो एक प्रकार से बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन की यूनिट्स जैसे हैं, अपने बात करें अपने स्टार्टिंग में अगर बात करें, किंगडम आता है, किंगडम के बाद में फाइलम आता है, फाइलम के बाद में एक प्रकार से अपने क्लास आती है, क्लास के बाद में ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस, फिर स्पीसीज, फिर सब स्पीसीज। इसी प्रकार हिंदी में अगर बात करें अपने, तो सबसे पहले क्या आता है, जगत आता है, जगत के बाद में अपने संघ आता है, संघ के बाद वर्ग आता है, वर्ग के बाद में अपने गण आता है, गण के बाद में कुल आता है, कुल के बाद जाति, जाति कुल के बाद में वंश, वंश के बाद में जाति, और जाति के बाद में उपजाति। तो ये क्रम होता है, इस क्रम को भी आपको याद रखना है, सीक्वेंस भी आपको याद रहनी चाहिए। कल मैंने आपको बताया था क्लास में कि इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी होती है, स्पीसीज होती है यानी जाति होती है, ठीक है। एक उपजाति के बारे में ध्यान में रखना, उपजाति कई बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, उपजाति यानी सब स्पीसीज की बात करें, किसकी बात करें, सब स्पीसीज की बात करें, ठीक है। सब स्पीसीज एक प्रकार से उपजाति होती है, वो स्पीसीज के भी बाद में आते हैं, तो उपजाति होती है, इसका काम कहाँ आती है, उपजाति कहाँ काम में आती है, तो ये त्रिनाम पद्धति में काम आती है, त्रिनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति में प्रयुक्त होती है। द्विनाम पद्धति है, आपने बाइनोमियल नोमेनिकल्चर आपने सुना होगा, जिसमें दो नाम होते हैं, दो वर्ड होते हैं, फर्स्ट वर्ड किसका होता है, फर्स्ट वर्ड तो एक प्रकार से जो फर्स्ट वर्ड होता है वो तो एक प्रकार से वंश का होता है, और दूसरा वर्ड होता है वो जाति का होता है, यानी फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकंड वर्ड किसका हो गया, स्पीसीज का हो गया। लेकिन त्रिनाम पद्धति का मतलब, त्रिनाम पद्धति का मतलब ट्राइनोमियल नोमेनिकल्चर, जिसमें क्या होंगे, थ्री वर्ड होंगे, तो फर्स्ट हो गया अपने, फर्स्ट वर्ड किसका हो गया, फर्स्ट वर्ड हो गया उसमें एक प्रकार से वंश का, दूसरा किसका हो गया, जाति का, और तीसरा उपजाति का होता है,
ठीक है। तीसरा किसका होगा, उपजाति का होगा, यानी सब स्पीसीज का होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो उपजाति होती है, उपजाति त्रिनामपत्ति में प्रयुक्त होती है, यानी सब स्पीसीज होती है, वो ट्राइनोमियल नोमिनी कल्चर में यूज होती है, ठीक है। ट्राइनोमियल नोमिनी कल्चर में जो थर्ड वर्ड होता है वो किसका होता है, उपजाति यानी सब स्पीसीज का होता है। बिल्कुल क्लियर, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पर बेसिक यूनिट अपने बात कर ली, बेसिक यूनिट होती है वो जाति होती है, इसका आपने करेक्ट आंसर दे दिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, किशोर हार्मोन उत्सर्जित होते हैं, किशोर हार्मोन कहां से उत्सर्जित होते हैं, चलो आंसर दो भैया। किशोर हार्मोन, किशोर हार्मोन, सिंपल सा क्वेश्चन है, किशोर हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल हार्मोन बोलते हैं, जुवेनाइल हार्मोन कौन उत्सर्जित करता है या स्त्रावित करता है, उत्सर्जित नहीं बोल सकते अपने इसको, उत्सर्जित तो यानी शरीर से बाहर छोड़ना होगा, है ना, स्त्रावित करता है ना, स्त्रावित आएगा, स्त्रावित करता है, सीक्रेट करता है एक प्रकार से, है ना, सीक्रेट करता है, स्त्रावित करता है, कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है, किशोर हार्मोन बता देता हूं पहले, किशोर हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं अपने, जुवेनाइल हार्मोन बोलते हैं, नाम से ही किशोर हार्मोन या जुवेनाइल हार्मोन पता चल रहा है कि ये क्या करता है, कीटों को एक प्रकार से अविकसित अवस्था में बनाए रखता है, अविकसित अवस्था यानी लार्वा या निम्फ अवस्था में बनाए रखता है, इसमें वयस्क के जो लक्षण होते हैं वो उत्पन्न नहीं होने देते हैं, ठीक है, जो अपने वयस्क के लक्षण होते हैं वो उत्पन्न नहीं होने देते जब तक उसमें जुवेनाइल हार्मोन बनता रहेगा। तो अपने बोल सकते हैं कि जुवेनाइल हार्मोन होता है वो कीटों में क्या करता है, जुवेनाइल हार्मोन कीटों में एक प्रकार से, जुवेनाइल हार्मोन कीटों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, इसलिए अपने बोल सकते हैं ये अपने इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, यानी कीट वृद्धि नियामक के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो किशोर हार्मोन या जुवेनाइल हार्मोन होता है ये एक प्रकार से कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है, तो यहां पर आ रहा है अग्रवक्षी ग्रंथि, अपने हाइपोडर्मिस, कॉर्पोरा एलाटा या इनमें से कोई नहीं, यानी प्रोथोरेक्स ग्लैंड, हाइपोडर्मिस, कॉर्पोरा एलाटा या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करता है, जुवेनाइल हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और जुवेनाइल हार्मोन एक प्रकार से इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो इंसेक्ट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है, इंसेक्ट के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने, डायमंड बेक मोथ, डायमंड बेक मोथ किस गण से संबंधित है, डायमंड बेक मोथ किस गण से संबंधित है, ऑर्डर ऑफ डीबियम, डीबियम का ऑर्डर आपसे पूछा गया है, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलिप्टेरा, हेमिप्टेरा, बिल्कुल सिंपल आंसर है। पहले डायमंड बेक मोथ के बारे में बता देता हूं आपको, डायमंड बेक मोथ जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में डीबियम बोलते हैं ना, डायमंड बेक मोथ यानी डीबियम, डीबियम होता है, ये कौन सी क्रॉप का पेस्ट होता है, ये गोभी वर्गीय फसलों का प्रमुख कीट होता है, किसका, गोभी वर्गीय फसलों का, गोभी वर्गीय फसलों का प्रमुख कीट, गोभी वर्गीय फसलों का, गोभी वर्गीय फसलों का प्रमुख कीट होता है, ठीक है। और इसकी नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था होती है वो लार्वा होता है, क्या होता है, लार्वा या कैटरपिलर होता है, वो नुकसान पहुंचाता है, लार्वा हानिकारक होता है इसका, ठीक है। डीबीएम यानी डायमंड बेक मोथ, डायमंड बेक मोथ, डीबीएम की फुल फॉर्म होती है डायमंड बेक मोथ। तो आपसे पूछा गया किस गण का कीट है, ये गण पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन से गण का कीट होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो वेरी गुड, समीर मीना लेपिडोप्टेरा आ रहा है, वेरी गुड सुनील मीणा, ये आंसर आ रहा है, नेहा यादव ये आंसर आ रहा है, वेरी गुड सुनील मीणा, चलो ये आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का ना, चलो देखते हैं, लेपिडोप्टेरा बिल्कुल सही आंसर है, क्यों, क्योंकि सही आंसर इसलिए हो गया कि आप अगर इस वर्ड को देखेंगे मौत को, तो अभी एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था सबसे पहले कि तितली और मौत या तितली और शलभ यानी बटरफ्लाई और मौत कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं, तो लेपिडोप्टेरा में आते हैं, तो यहां भी वर्ड आ गया मोथ, मोथ या ये अपने इसको शलभ बोल सकते हैं ना हिंदी के अंदर, तो ये किसके अंदर आते हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, किसमें आते हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है दीमक में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, चलो आंसर दो, दीमक में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, दीमक में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने यही सॉल्व करवाया था आपको, और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया उसके मैंने बताया था कि दीमक में किस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, चलो ए आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का, वेरी गुड, कुछ बच्चे डी भी आंसर दे रहे हैं बीच में, लोकनाथ का डी आंसर आ रहा है, मोस्टली बच्चों का ये आंसर आ रहा है, वेरी गुड,
तो सभी का सही आंसर आ रहा है दीमक का। मैंने आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि काटने व चबाने वाले मुखांग होते हैं वो दीमक में पाए जाते हैं, बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं वो दीमक में पाए जाते हैं। चबाने व चाटने वाले मुखांग होते हैं किसमें होते हैं, चिविंग एंड लेपिंग टाइप माउथ पार्ट्स। चाटने व चबाने वाले मुखांग होते हैं वो हनी बी के अंदर होते हैं, हनी बी यानी मधुमक्खी के अंदर पाए जाते हैं। मधुमक्खी में किसे होते हैं, काटने व ये चबाने व चाटने वाले मुखांग होते हैं ना, हनी बी के अंदर पाए जाते हैं, हनी बी में, हनी बी। ठीक है, उसके अलावा आता है साइफनिंग टाइप यानी साइफनिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं, ये किस में होते हैं, ये तितली और मोथ में होते हैं। किस में होते हैं, तितली व मोथ में, तितली व मोथ में, तितली व मोथ में होते हैं यानी बटरफ्लाई और मोथ के अंदर किस टाइप के होते हैं, साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। बिल्कुल बेसिक है ना, बेसिक मतलब बिल्कुल जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में ही क्वेश्चन है कि जो एंटोमोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसमें ये जो एंटोमोलॉजी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किस लैंग्वेज का वर्ड है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कहाँ से लिया गया है। ठीक है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी दो वर्ड है, एंटोमोन, एंटोमोन का मतलब इंसेक्ट, लोगोस का मतलब नॉलेज या स्टडी। ठीक है, जिसमें इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, और एंटोमोलॉजी जो ब्रांच ऑफ जूलॉजी यानी एंटोमोलॉजी एक प्रकार से जीव विज्ञान की ही शाखा होती है। आपको बताना है कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है एंटोमोलॉजी, एंटोमोन यानी इंसेक्ट, लोगोस यानी नॉलेज। उसके बाद में आता है कीटों के तंत्रिका तंत्र का मुख्य एंजाइम कौन सा है। चलो नेक्स्ट आंसर, लाइपेज, प्रोटीएज, एसिटिल कोलिन स्ट्रेज या इन्वर्टेज, कौन सा आएगा, सही आंसर बताना है आपको। लाइपेज, प्रोटीएज, एसिटिल कोलिन स्ट्रेज, इन्वर्टेज, चलो जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, ग्रीक वर्ड सबका सही है ना, ग्रीक वर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कीटों के तंत्रिका तंत्र का मुख्य एंजाइम पूछा गया है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य एंजाइम, तंत्रिका तंत्र का मुख्य एंजाइम का मतलब है कि जब अपने कोई कीटनाशी काम में लेते हैं जो कि तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है, कोई कीटनाशी कीटों को लकवाग्रस्त कर देता है तो वो कीटनाशी इसी एंजाइम को नष्ट कर देता है या इसी एंजाइम को अवरुद्ध कर देता है वो कीटनाशी, तो वो एंजाइम कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य एंजाइम कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे, कुछ बच्चे डी आंसर दे रहे, सी आंसर आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का, दीक्षा यादव सी आंसर आ रहा है, सुनील मीना का सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, रवि कुमार का आ रहा है, वेरी गुड। चलो देखते हैं, सी आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का, तो बिल्कुल सही आंसर है, जिसका सी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। एसिटिल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम होता है, एसिटिल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम होता है, ये एक प्रकार से कीटों के तंत्रिका तंत्र का मुख्य एंजाइम होता है जो कि अपने एक प्रकार से तंत्रिका तंत्र के अंदर सूचनाओं के आदान प्रदान में मुख्य भूमिका निभाता है, वो एसिटिल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम होता है। और जो तंत्रिका विष होते हैं जो तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करते हैं वो इसी एंजाइम को नष्ट कर देते हैं। एक यहाँ पर एक अपने एंजाइम और है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम की बात करें अगर तो इन्वर्टेज एंजाइम मधुमक्खियों का मुख्य एंजाइम होता है। किसका, मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों में अगर बात करें तो जो शहद बनता है, शहद किससे बनता है, मकरंद से बनता है। शहद यानी जो हनी प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, वो नेक्टर से होता है, और नेक्टर के अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है, और सुक्रोज को किसमें तोड़ा जाता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। वो किसकी उपस्थिति में तोड़ा जाता है, वो इसी इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि जो शहद का उत्पादन होता है वो किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, इन्वर्टेज के एंजाइम की उपस्थिति में। आपसे पूछा जा सकता है मधुमक्खियों का मुख्य एंजाइम कौन सा होता है, तो इन्वर्टेज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेज सुक्रोज को अपने किसमें तोड़ने का काम करता है, सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है, क्योंकि शहद के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्रक्टोज होती है और फिर ग्लूकोज होती है। शहद में 78% शर्करा पाई जाती है, कितनी, 78% शर्करा पाई जाती है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, काइटिन क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल सा है, काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ, काइटिन इज ए पॉलीमर नहीं है ना, काइटिन क्या है, इतना ही है बस, काइटिन इज, व्हाट इज काइटिन, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज काइटिन, काइटिन क्या है ये आपको बताना है। काइटिन क्या होता है, काइटिनिन होता है, ग्लूकोज होता है, लिपिड होता है, नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड होता है। क्या होता है काइटिन, केमिकल यानी रासायनिक रूप से अगर आपको पूछना हो, रासायनिक रूप से अगर आपको बताना हो कि काइटिन क्या होता है तो क्या होगा, काइटिन क्या होता है, काइटिन प्रोटीन होता है, काइटिन काइटिनिन होता है, ग्लूकोज होता है, लिपिड होता है, क्या होता है,
काइटिन क्या होता है? डी आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका बिल्कुल अच्छा आंसर आ रहा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो कुछ गलत आंसर भी दे रहे हैं। चलो रॉयल के बच्चे का कोई भी है, किसी भी बच्चे का ये आंसर गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल सही आंसर जाएगा, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों डी आंसर जा रहा है, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, डी डी आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। कौन क्या होता है ये? नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है, या ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन का बहुलक होता है, यानी एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन का बहुलक होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं, जेनिकुलेट प्रकार की श्रृंगिका किसमें पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनिकुलेट प्रकार की श्रृंगिका, श्रृंगिका यानी एंटीना, जेनिकुलेट टाइप एंटीना फाउंड इन, किसके अंदर प्रेजेंट होती है जेनिकुलेट टाइप की एंटीना? जेनिकुलेट टाइप की एंटीना किसके अंदर प्रेजेंट होती है? एंटीना मैंने आपको बताया हुआ है, एंटीना भी बहुत प्रकार की होती है, हर कीटों में अलग अलग प्रकार की एंटीना पाई जाती है, ठीक है। जैसे अगर बात करें फिलीफॉर्म यानी दागाकार होती है, जैसे ग्रास ओपर के अंदर होती है, टिड्डी के अंदर होती है, कॉकरोच के अंदर होती है ना, इसी प्रकार अपने दूसरी अपने मालाकार की बात करें मोनिलीफॉर्म, वो दिमक के अंदर होती है। तो यहाँ आपसे जो पूछा गया वो जेनिकुलेट का पूछा गया, जेनिकुलेट प्रकार की। जेनिकुलेट को हिंदी में बोलते हैं कोहनी के आकार की, कोहनीकार एंटीना होती है, श्रृंगिका होती है, वो किस में पाई जाती है? जेनिकुलेट यानी कोहनीकार, कोहनीकार एंटीना या श्रृंगिका किस में पाई जाती है? वेरी गुड, बी आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का, बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, एंटोमोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छी है बच्चों की, है ना, बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलो मधुमक्खी की होती है ना, मधुमक्खी की, ठीक है, मधुमक्खी के अंदर एक प्रकार से किस प्रकार की होती है? जेनिकुलेट प्रकार की होती है। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने फिलीफॉर्म टाइप की होती है, क्या होती है? फिलीफॉर्म टाइप की एंटीना किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर दागाकार, ठीक है। तो ये दागाकार की बात करें तो ये एक प्रकार से ग्रास ओपर के अंदर होती है और लोकस्ट के अंदर होती है, किसके अंदर? टिड्डी के अंदर, और इसके अलावा कॉकरोच के अंदर होती है ना, कॉकरोच, इन सभी के अंदर इस प्रकार की एंटीना पाई जाती है, किसी फिलीफॉर्म या दागाकार। और जेनिकुलेट यानी कोहनीकार किस में होती है? मधुमक्खी के अंदर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के आहार नाल के अग्र मध्य व पश्च भाग क्रमशः क्या कहलाते हैं? चलो जल्दी से आंसर दो भैया, अभी अपने कीटों के बाहर बाहर की बातें कर रहे थे, अब कीटों के अंदर की बात करते हैं। जो कीटों की आहार नाल होती है, जो क्या बनाती है? पाचन तंत्र बनाती है। कीटों की आहार नाल क्या बनाती है? पाचन तंत्र बनाती है। तो उस आहार नाल के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र मध्य और पश्च भाग, तीन भाग होते हैं। इन तीनों भागों में अगर बात करें तो इन तीनों भागों को अपने साइंटिफिक रूप से क्या क्या बोलते हैं अपने, ठीक है, इसका सही क्रम आपको बताना है, सही क्रम आपको बताना है इसका, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है एक बार एग्जाम के अंदर, है ना, जल्दी से आंसर दो भैया। अग्र मध्य और पश्च भाग को क्रम से क्या बोलेंगे? किसी का बी आंसर आ रहा है, किसी का ए आंसर आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, नया यादव बी आंसर आ रहा है, विनय यादव सी आंसर आ रहा है, सुनील मीणा बी आंसर आ रहा है, विकास का बी आंसर आ रहा है, नितिन यादव का बी आंसर आ रहा है, चलो कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, देख लेते हैं। यहां पर पूछा गया है कि अग्र मध्य और पश्च भाग, यानी आगे से पूछा गया, आगे के भाग से पहला भाग होगा, पहला भाग कौन सा होगा? तो पहला भाग एक प्रकार से जो पहले भाग की अगर बात करें वो अपने स्टोमोडियम होता है, उसके बाद में मेसेंट्रोन आता है, उसके बाद में प्रोक्टोडियम आता है, तो बी आंसर होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ना, स्टोमोडियम मेसेंट्रोन और प्रोक्टोडियम, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट आता है अपने दिमक की कॉलोनी में श्रमिकों की संख्या होती है कितने परसेंट होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स इन ट्रमेटेरिया, ट्रमेटेरिया क्या होती है? दिमक की कॉलोनी होती है, उसी को ट्रमेटेरिया बोलते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे जो श्रमिकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, श्रमिकों की संख्या पूछी गई आपसे, सी आंसर आ रहा है मोस्टली बच्चों का, लोकनाथ बी आंसर दे रहे हैं भैया, सीता सी आंसर आ रहा है, रमेश का सी आंसर आ रहा है, सुनील का सी आ रहा है, सी आंसर दे रहे हैं ना,
ठीक है, आज मैंने देखा है कि बच्चे लगभग अपने 7:30 के बाद में बच्चों की संख्या बढ़ी है, तो अब आगे से ध्यान रखना अपनी क्लास है जो 7 बजे से यूट्यूब की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सभी को अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना है कि 7 बजे से ही क्लास चलेगी, तो डेली 7 बजे जुड़ जाएं सबके सब लोग, है ना। आज कुछ बच्चों को पता नहीं था तो लगभग अपने 7:30 के आसपास जुड़े हैं बच्चे, लेकिन कल से ध्यान में रखना है अपने को फिक्स 7 बजे अपने को यहाँ पर आ जाना है अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, फिक्स 7 बजे है ना, डेली अभी अपने यही टाइम रहेगा ना, 7 बजे का टाइम रहेगा, तो 7 बजे से आपको इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाना है और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देना है कि रॉयल इंस्टीट्यूट की जो यूट्यूब चैनल की क्लास होती है वो अपने शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अपने बात करें थर्ड ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही होगा, 80-90% तक जो अपने पॉपुलेशन होती है वो किसकी होती है, श्रमिकों की होती है, वर्कर्स की होती है। और कॉलोनी की कौन सी कॉलोनी कितनी शक्तिशाली है ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्कर्स या श्रमिकों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जिस कॉलोनी में जितने ज्यादा वर्कर्स या श्रमिक होते हैं वो कॉलोनी इतनी शक्तिशाली और मजबूत होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा संख्या होती है वो किसकी होती है, वर्कर्स की ही होती है, 80-90% तक इसकी पॉपुलेशन या जनसंख्या होती है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, टीटी की कौन सी अवस्था हानिकारक होती है, चलो बताओ टीटी की कौन सी अवस्था हानिकारक होती है, टीटी की कौन सी अवस्था हानिकारक होती है। हाँ, क्लास 1 घंटे की होगी ना, 7 से 8 बजे की रहेगी। ठीक है, चलो आंसर दो जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो, किसी का बी आंसर आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है और किसी का डी भी आ रहा है, मतलब फिक्स एक आंसर किसी का नहीं आ रहा है। टीडी की कौन सी अवस्था हानिकारक होती है, अब इसकी एक आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, यूट्यूब की क्लास में ही बताई हुई ट्रिक है, मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी कीट है जिसके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें एपरोन का नियंत्रण होता है, उसकी निम्फ और व्यस्क दोनों अवस्थाएं हानिकारक होती है। क्या होती है, जिसमें भी एपरोन का नियंत्रण होता है, एपरोन यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, एपरोन का नियंत्रण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें भी होता है, जिस भी कीट में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसके निम्फ और व्यस्क दोनों अवस्थाएं क्या होती है, हानिकारक होती है। निम्फ और एडल्ट दोनों स्टेज क्या होती है, डैमेजिंग स्टेज होती है। किसकी, जिस भी इंसेक्ट के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उन सभी में क्या होता है, उन सभी की एक प्रकार से निम्फ और एडल्ट स्टेज डैमेजिंग स्टेज होती है, हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो लोकस्ट में क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, 3 अवस्थाएं होती है, तो उसमें से निम्फ और व्यस्क होती है वो दोनों अवस्थाएं डैमेजिंग होती है, हार्मफुल होती है, निम्फ और एडल्ट दोनों स्टेज होती है वो हार्मफुल होती है, डैमेज करने वाली होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू, कल से सब लोग 7 बजे जुड़ जाइएगा और अपने आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।